So, a very good morning to all of you. Once again, I welcome in the online class. And today, as we all know, we have done in the last class, we have done our our chapter of My Elder Brother. I have explained you the chapter, and I hope you have understood the chapter well. Now today in this class we will do the question answer as well as new words of my elder brother. After that, at the end of the session, we will discuss few questions. We will if you have any query related to your exam, we will solve those queries, and I will explain you about the syllabus, about the grammar portion, what will come in your exam. Okay, but before that, you have to listen the new words as well as the question answer carefully. Then at the end of the session, I will solve your queries. Okay, so let's start. So we should start now my elder brother new words as well as question answer. Now my first word is several. जब मैंने आपको chapter पढ़ाया था तब भी मैंने several word का meaning बताया था. Several means many, a number of times. मतलब कोई चीज हम बार बार करते हैं, कई बार करते हैं, तो उसी को बोलते हैं several. जैसे I take your class several times. Yeah, I love to play cricket several times. Yeah, मुझे टीवी देखना बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद है, बार बार पसंद है. तो कोई भी चीज जो हमें बहुत बार, कई बार करना पसंद होता है, that is where we use several. So several means many, many मतलब कई बार. Okay. Now the next word is tremendous. Tremendous means which is very very big and very wonderful thing. Tremendous means बहुत ज़्यादा बड़ा. जैसे मैं बोलूँगी अब हमारे बच्चों में, जो मेरे बच्चे फोर्थ क्लास में थे, अब मैं आपको देखूंगी जब लॉकडाउन खत्म होगा, स्कूल लगेगा. So what will I say? अगर मुझे आपकी हाइट, आपकी हेल्थ में फर्क लगेगा तो मैं क्या बोलूंगी, आपके अंदर tremendous change. आपकी हाइट में ट्रिमेंडस चेंज है. ट्रिमेंडस मतलब बहुत ज्यादा चेंज है, बहुत बड़ा बदलाव है. ठीक है, ट्रिमेंडस मीन्स बहुत ज्यादा कोई चीज होती है, ग्रेट में होती है. ग्रेट मतलब बहुत ज्यादा बड़ा, महान, कोई ज्यादा अंतर आ जाता है जब किसी चीज में. ट्रिमेंडस मीन्स जब किसी में बहुत ज्यादा कोई अंतर दिखने लगता है. जैसे यू आर लुकिंग वेरी ट्रिमेंडसली ब्यूटिफुल, योर हाइट हैज लुक्स, there is too much change in your height. So there I can use in that sentence, there is tremendous change in your height. Tumhari height mein bahut zyada farak aa gaya hai, tumhari health mein bahut zyada farak aa gaya hai. Jab zyada word ke liye use karna hota hai to we use tremendous, and tremendous is a positive word. Hum kisi ke liye negative way mein tremendous word use nahi karte. Okay, now the next word is effort. Effort means हम कोई चीज के लिए कोशिश करते हैं. जैसे आजकल बच्चे ऑनलाइन लेने की जब शुरू में हमने ऑनलाइन क्लासेस शुरू की थी तो प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन अब बच्चों ने एफर्ट किया, पेरेंट्स ने एफर्ट किया, गूगल क्लासरूम शुरू हुआ, उनको ऐड होना आया, पहले होमवर्क डालने में भी प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन उन्होंने एफर्ट किया, कोशिश की, अपना हार्डवर्क उसमें डाला, अपना उस ऐप को समझने की कोशिशें की, एफर्ट्स किए, तो उससे अब उन्हें वो ऐप का यूज आ गया. सो एफर्ट मीन्स कोशिश करना, मेहनत करना, हार्डवर्क करके कोई चीज सीखना. ठीक है, या हार्डवर्क करके, एफर्ट करके, कोशिश के द्वारा कोई चीज समझना. सो एफर्ट मीन्स कोई कोशिश करना या बहुत ज्यादा किसी चीज के लिए हार्डवर्क करना. जैसे अब आपका एग्जाम है तो अब आप एफर्ट्स डाल रहे हैं कि हम पिछले चैप्टर्स की रिविजन करें और जल्दी से जल्दी उन चैप्टर्स की रिवीजन करें, क्योंकि हमारा 18 से तो एग्जाम शुरू है. ठीक है, चलिए
नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज डाउन. डाउन मतलब कोई भी चीज जब नीचे आती है, स्लाइट ऑफ द डे. जब डाउन के दो मीनिंग होते हैं, डाउन होता है एक नीचे, अप डाउन आपने सुना होगा, अप मीन्स ऊपर, डाउन मीन्स नीचे. लेकिन इस चैप्टर में डाउन का मतलब है द फर्स्ट लाइट ऑफ द डे. जैसे सुबह की किरण निकलती है सुबह सुबह की, है ना, जब शाम की जो जो सूरज है वो ढलता है तो उसको बोलते हैं डस्क, के वो जो सूरज है वो छुप गया है. अब जो सुबह सुबह की पहली किरण जो निकलती है उसी को बोलते हैं डाउन, द फर्स्ट लाइट ऑफ द डे. जो सुबह की पहली किरण निकलती है उसी को हम कहते हैं डाउन. चलिए, नाउ वी हैव डन फोर वर्ड्स इन दिस स्लाइड. देयर इज सेवरल विच मीन्स मैनी, ट्रमेंडस मतलब बहुत ज्यादा किसी के अंदर अंतर आ जाना, बहुत ज्यादा फर्क आ जाना, एफर्ट मतलब कोशिश करना या हार्ड वर्क करना, और डाउन जो पहले दिन की सुबह सुबह की एक किरण जो निकलती है सन में से उसी को बोलते हैं डाउन. चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे. नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज पंचुअलिटी. मैंने आपको बताया था जो भी कोई काम समय पे करता है इट मीन्स दैट पर्सन इज पंचुअल. जिसको पता है कि मैंने किसी चीज के लिए अभी टाइम फिक्स किया हुआ है, सो उसी के अकॉर्डिंग अगर वो चलता है तो बुक में तो मुझे लगता है डाउन लिखा था. अच्छा इस इधर स्पेलिंग, हाँ बेटा स्पेलिंग में डी ओ डब्ल्यू एन हो गया, उस स्पेलिंग को हम ठीक कर देंगे, दैट इज डी ए डब्ल्यू एन. थैंक यू तमन्ना. यस वो स्पेलिंग तो थोड़ा अंतर हो गया बच्चे. चलिए नाउ वर्ड इज पंचुअलिटी. पंचुअलिटी मीन्स जब हम कोई काम कोई समय पे करते हैं तो मीन्स हम पंचुअल है और हम पंचुअलिटी के साथ अपना काम करते हैं. द हैबिट ऑफ स्टिकिंग टू एन अपॉइंटमेंट टाइम मतलब एक ऐसी आदत कि अगर हमने किसी को अपॉइंटमेंट दिया है तो उसी अकॉर्डिंग हम काम करेंगे, हम किसी चीज को बिल्कुल पंचुअलिटी के साथ काम करेंगे एकदम एक्यूरेट समय पे. अगर टीवी का टाइम है इस टाइम देखने के लिए तो हम टीवी देखेंगे, अगर खेलने का टाइम है तो हम खेलेंगे, अगर पढ़ाई का टाइम है तो पढ़ाई करेंगे. इट मीन्स वी आर पंचुअल. जिस जो हम समय के अनुसार चलते हैं, एकदम टाइम के अकॉर्डिंग चलते हैं, इट मीन्स वी आर पंचुअल. जब हम अपने काम में एकदम टाइम टू टाइम चलते हैं दैट मीन्स वी आर पंचुअल. ठीक है. नाउ द सेकंड वर्ड इज एक्सपीरियंस. नाउ एक्सपीरियंस मीन्स हैविंग मोर नॉलेज. सी आपके पेरेंट्स के पास ज्यादा एक्सपीरियंस है, क्यों? क्योंकि वो आपसे पहले आपसे पहले आए हैं इस दुनिया में, आपसे ज्यादा जानते हैं, आपसे एज वाइज बड़े हैं, तो उनके पास ज्यादा नॉलेज है हर चीज की. बेशक कोई मम्मी पापा पढ़े लिखे ना हो फिर भी उनके पास ज्यादा एक्सपीरियंस है, ज्यादा नॉलेज है. क्यों नॉलेज है? क्योंकि हमसे वो एज में बड़े हैं और उन्हें पता है कि कोई भी सिचुएशन आती है तो उन्हें कैसे हैंडल करना है. तो दे हैव मोर एक्सपीरियंस. वी डोंट हैव दैट मच एक्सपीरियंस. वाई? बिकॉज वी आर नॉट दैट मच एल्डर इनफ. हम इतने बड़े नहीं है, हमारे मम्मी पापा के पास हर चीज को लेकर ज्यादा नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, ज्यादा अनुभव है. अनुभव कैसे आता है? अब देखिए, आप फर्स्ट क्लास में आए थे, आपको पता था कि फर्स्ट क्लास में हम आए, आपको डर लगता था स्कूल में कि कहीं हमें यहाँ पर रख तो नहीं लेंगे, कहीं हमें अपने मम्मी पापा से दूर तो नहीं कर देंगे. आपको डर लगता होगा कि हमारे मम्मी पापा हमें छोड़ के जाएंगे, पता नहीं लेने आएंगे कि नहीं आएंगे. लेकिन जब आपने फर्स्ट क्लास पूरी की, सेकंड की, अब थर्ड फोर्थ, क्या अब आप रोते हो कि मुझे घर जाना है? नहीं, अब आपको एक्सपीरियंस हो गया कि स्कूल है, स्कूल में पढ़ाई का टाइम खत्म होगा तो हम वापस अपने घर जाएंगे, क्योंकि अब आपको इस चीज का पता चल गया है, आपको नॉलेज हो गई है कि स्कूल का टाइम 2 बजे खत्म होगा तो वापस हमें अपने घर छोड़ देंगे, हमें परमानेंट स्कूल में नहीं रखेंगे. तो आपको ये एक्सपीरियंस हो गया. और ये एक्सपीरियंस कैसे हुआ? समय के साथ टाइम बीतते बीतते आपको पता चल गया कि स्कूल का टाइमिंग 2 o'clock तक है और उसके बाद हम अपने वापस घर चले जाएंगे. तो ये चीजें नॉलेज ये कहाँ से आई आपके पास? एक्सपीरियंस से. तो ये एक्सपीरियंस हमारे मम्मी पापा में, तो सोचो हमसे कितने बड़े हैं वो, तो उनके पास तो ज्यादा होगा, उनके पास हमसे ज्यादा नॉलेज है, इसीलिए उनके पास हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस है हर चीज. ठीक है. एक्सपीरियंस मीन्स अनुभव, जिनके पास ज्यादा नॉलेज होती है. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज रिस्पॉन्सिबिलिटी. रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी. अब देखिए, आपके स्कूल में आपके छोटे भाई बहन का एडमिशन होता है मान लो. ठीक है. अब आप 5th class में हो, अब आपका छोटा भाई बहन, छोटे भाई बहन 1st class में आते हैं,
तो आप क्या करते हैं, जैसे ही लंच होता है अपने भाई के पास जाते हैं या बहन के पास जाते हैं, छोटी आपने खाना खाया कि नहीं खाया, पूछते हैं ना, कई करते हैं छोटे भाई बहन, छोटे भाई बहन रो रहे होते हैं अपने मम्मी पापा से दूर होते हैं, तो आप समझाते हैं कि मम्मी पापा आ जाएंगे 2 बजे तक, है ना, और फिर उन्हें बताते हैं कि भाई आप अपना खाना खाया, तुमने कुछ चाहिए, ना ऐसा होता है ना, क्यों, क्योंकि आप जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है, आपको पता है कि अब वो छोटा बच्चा है, उसे डर लग रहा होगा अपने मम्मी पापा से, पहली बार अलग हुआ है, तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी पता है कि मुझे छोटे भाई बहन का ध्यान रखना है। अब जैसे आपकी मम्मी मार्केट जाती है, पापा मार्केट जाते हैं, घर में कोई नहीं है, और मम्मी पापा बोल के जाते हैं छोटे भाई बहन का ध्यान रखना, तो आप करते हैं ना रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपना काम, अपनी ड्यूटी निभाते हैं, और आप अपनी जिम्मेदारी समझते हैं कि मेरे छोटे भाई बहन को कोई वो नाइफ को यूज ना करे, या कोई ऊपर से ना चढ़ जाए, वो गिर ना जाए, ध्यान रखते हैं ना, बिकॉज यू आर रिस्पॉन्सिबल, आपको जिम्मेदारी अपनी पता है, अपनी ड्यूटी पता है आपको, ठीक है। ऐसे हमारे पेरेंट्स है, वो भी रिस्पॉन्सिबल है, उन्हें भी पता है मम्मी पापा को कि मम्मी पापा को मम्मी को खाना बनाना है, पापा को जॉब करके आना है, और कईयों के मम्मी पापा दोनों वर्किंग है, तो वो अपनी टाइम लिमिट के हिसाब से काम करते होंगे, आपको भी टाइम देते होंगे, बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल, बिकॉज उन्हें अपनी ड्यूटी पता है। सिमिलर आपको भी अपनी ड्यूटी पता है कि हाँ मुझे पढ़ाई करनी है, अब मुझे खेलना है, अब मुझे छोटे भाई बहन का ध्यान रखना है, अगर पापा मम्मी घर पे नहीं है तो उसका ख्याल रखना है, सो इट मीन्स यू आर रिस्पॉन्सिबल, आपको अपनी जिम्मेदारी पता है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज फाउंडेशन, फाउंडेशन होता है बेस, मैंने आपको उस दिन भी बताया था, फाउंडेशन का मतलब होता है हमारी जो जब एक मकान बनाते हैं, घर बनाते हैं, तो उसका बेस मतलब उसका जो जमीन है, जमीन के अंदर जो पिलर्स डलते हैं, उसकी वो चीज बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, अगर ऊपर ही ऊपर हम सब कुछ बनाएंगे तो घर नीचे गिर जाएगा। सिमिलर हम ब्लॉक्स का यूज करते हैं, हम ब्लॉक से एक बिल्डिंग बनाते हैं, अगर नीचे ब्लॉक्स ढंग से सेट नहीं होंगे तो ऊपर के ब्लॉक्स भी नीचे गिर, क्योंकि उसकी फाउंडेशन, उसकी नींव, उसकी जो जड़ है वो मजबूत नहीं है, अगर पेड़ के अंदर नीचे जड़ उसकी मजबूत नहीं होगी तो पेड़ कैसे खड़ा रहेगा, नहीं खड़ा रहेगा ना, वो गिर जाएगा। तो सिमिलर कोई बिल्डिंग हो या किसी बच्चे की पढ़ाई हो, उसकी पढ़ाई की भी जड़ें मजबूत होनी चाहिए। अब पढ़ाई की जड़ें कैसे मजबूत होगी, जो अगर आपको ABCD नहीं आता और आप 6th क्लास में पहुंच गए, तो इट मीन्स आपकी फाउंडेशन मजबूत नहीं है, आपको नेमिंग वर्ड, एडजेक्टिव या डिस्क्राइबिंग वर्ड, प्रोनाउन नहीं पता, तो आप 6 में जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आपकी पढ़ाई की फाउंडेशन इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो इसलिए हमें जो भी टीचर पढ़ाता है तो उसे हमें ढंग से पढ़ना चाहिए, ताकि हमारी जो फाउंडेशन है वो स्ट्रांग हो और हमें बड़ी क्लास में जाने में प्रॉब्लम ना हो और उन टॉपिक्स को समझने में प्रॉब्लम ना हो। चलिए अगला जो वर्ड है दैट इज स्केड्यूल, इसको शेड्यूल भी बोलते हैं, स्केड्यूल भी बोलते हैं, ठीक है। स्केड्यूल, स्केड्यूल मतलब जो हमारा टाइम टेबल होता है जिसके हम अकॉर्डिंग काम करते हैं, जैसे अभी आपने अपना घर पे एक टाइम टेबल बनाया हुआ है, बेशक बेशक आपने रिटर्न में नहीं बनाया हुआ, लेकिन आपको पता है कि 9:30 to 10:30 मेरे सब्जेक्ट की क्लास है, फिर हाफ आवर का ब्रेक है, फिर 11 बजे से 12 बजे तक में फिर मेरी एक क्लास है, फिर आपको पता है आप उसके बाद आप थोड़ा खेलते होंगे, फिर 1-2 बजे तक आप अपना लंच करते होंगे, फिर आप थोड़ा रेस्ट करते होंगे, फिर शाम को उठकर पढ़ाई करते होंगे, आपका अब एक टाइम टेबल बना हुआ है, एक शेड्यूल बना हुआ है, पूरा फिक्स है कि इस टाइम ये करना है, लेकिन संडे को आपका चेंज हो जाता है टाइम, फिर आपका स्कूल खुलेगा, या ऑलरेडी जब स्कूल आपके खुले हुए थे तब आपका टाइम टेबल डिफरेंट था, आपका स्केड्यूल पूरे दिन का कुछ और था, आपके मम्मी पापा का पूरे दिन का स्केड्यूल कुछ और होता होगा, वो ऑफिस जाते होंगे, फिर उनका काम करते होंगे, फिर लंच होता होगा, फिर उसके बाद वो काम करके फिर शाम को इवनिंग में वापस आते होंगे, तो इट मीन्स आपके मम्मी पापा का वो स्केड्यूल है, वो शेड्यूल है, और आपका स्केड्यूल अलग है, आपके पापा का स्केड्यूल डिफरेंट है, तो स्केड्यूल मीन्स टाइम टेबल जिसके अकॉर्डिंग हम पूरा दिन अपना काम करते रहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज एसे,
एसे मीन्स कंपोजिशन ऑन एनी सब्जेक्ट. एसे तो आप सभी को पता है, हम क्रिएटिव राइटिंग में एसे लिखते थे. कई बार 5 लाइंस का होता था, कई बार 10 लाइंस का होता था. एसे मीन्स जब हम अपने थॉट्स को एक नया तरीके से लिख देते हैं, एक कंपोजिशन करते हैं, कोई नई चीज उसका क्रिएट कर देते हैं. जैसे मैंने आपको बोला कि आपको ट्री के ऊपर एसे लिखना है, तो आप ट्री के ऊपर क्या लिखेंगे कि ट्री ऐसे होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, उसकी एक बॉडी होती है, उसके अंदर एक जो स्टेम होता है उसकी कुछ आर्म्स होती हैं, ठीक है, उसका ट्रंक होता है, उसके अंदर बहुत सारी लीव्स होती हैं, और जो ट्रीज हैं वो हमें क्या क्या देते हैं. मीन्स आप अपने दिमाग से कुछ क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है. मतलब कॉम्पोजिशन मीन्स कुछ क्रिएट करना, कुछ रचना, कुछ बनाना. किसी भी सब्जेक्ट पे या किसी भी टॉपिक पे कोई चीज लिखना, बनाना या उसका क्रिएट करना, इट मीन्स यू आर राइटिंग अ एसे. सो एसे मीन्स मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि एसे मीन्स आपको किसी भी चीज पर 5 लाइनें लिखनी है, अपने दिमाग से लिखनी है, अपने दिमाग से आपको क्रिएट करनी है लाइन. और वो चीजें तो आप किसी भी टॉपिक पे कर सकते हैं. अगर मैं आपको बोलूँ कि आपके घर में फैन है, उसके ऊपर आपको 5 लाइनें क्रिएट करनी है, इट मीन्स आपको एसे लिखना है, ठीक है. चलिए, नाउ द नेक्स्ट वर्ड. बच्चे अभी आप सभी बच्चे चैट सेक्शन में प्लीज स्टॉप राइटिंग. ओके, नाउ लिसन द वर्ड्स केयरफुली. आई नो ऑल स्टूडेंट्स आर मच प्रीटी मच अवेयर अबाउट द न्यू वर्ड्स, बट स्टिल आई एम टेलिंग यू, सो स्टॉप राइटिंग इन द चैट सेक्शन. नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज आइडलिंग. व्हाट डू यू मीन बाय आइडलिंग? आइडल, मैंने आपको बताया था आइडल की तरह बैठ जाना, ठीक है. एक आइडल दूसरा होता है इंडियन आइडल, उसकी स्पेलिंग डिफरेंट होती है, दैट इज IDEAL. ये है IDLING, आइडलिंग. आइडलिंग मतलब मूर्ति की तरह बैठ जाना, कुछ नहीं करना, बिल्कुल इनएक्टिव, लेजी, आलसी की तरह बैठ जाना. जैसे हम टीवी के आगे बैठते हैं एकदम आइडल की तरह, हम देखते रहते हैं देखते रहते हैं, और कोई हमारा हाथ का पैर का कोई मोशन नहीं होता. वी आर जस्ट सिटिंग एंड आवर आईज आर कॉन्सेंट्रेटिंग वॉचिंग ऑन द टीवी एंड वी बिकम आइडल. हम मूर्ति की तरह, हम लेजी, इनएक्टिव की तरह हम बैठकर सिर्फ टीवी देखते हैं. और क्या होता है आइडल? बिल्कुल कुछ बॉडी का कोई पार्ट ना हिलाना, एकदम लेजी, इनएक्टिव होकर आलसियों की तरह बैठ जाना, ठीक है. चलिए, नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज मास्टर्ड. मास्टर होता है, अगर आप मास्टर वर्ड को देखेंगे तो मास्टर होता है टीचर. अब मास्टर्ड मीन्स किसी चीज में एक्सपर्ट हो जाना. देखिए, अभी आप क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है, मे बी ऑन नॉट दैट मास्टर, लेकिन सचिन तेंदुलकर को देखें तो ही मास्टर्ड इन क्रिकेट. वो एक एक्सपर्ट हो चुका है खेल खेल कर. अगर धोनी को देखें तो वो मास्टर हो चुका है अपने खेल के लिए. विराट कोहली को देखें, सानिया नेहवाल को देखें, ठीक है, और सानिया मिर्जा को देखें, ठीक है, तो ये दे आर मास्टर्ड इन देअर स्पोर्ट्स, ये अपने स्पोर्ट्स में एक्सपर्ट हो चुके हैं, एकदम स्किल हो चुके हैं, एकदम परफेक्ट हो चुके हैं, क्योंकि वो इतने सालों से खेल रहे हैं कि वो खेलते 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 परफेक्ट हो गए. अब आप देखिए, कुछ बच्चे ड्राइंग में एकदम मास्टर्ड हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि वो काफी सालों से बना रहे हैं, वो काफी सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं. कुछ बच्चे फुटबॉल खेलने में एक्सपर्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो खेलते खेलते उस चीज को, जो उसकी छोटी छोटी बारीकियां हैं, वो सीख जाते हैं कि हमें यहाँ से ऐसे मारना है शॉट, या ऐसे हमें बॉल को जाकर कैच करना है, या सबके बीच से बॉल कैसे निकालना है. तो धीरे धीरे प्रैक्टिस से हम हर बन सकते हैं. हम किसी सब्जेक्ट में मास्टर बन सकते हैं, हम किसी स्पोर्ट्स में मास्टर कर बन सकते हैं. मास्टर मीन्स किसी चीज में एक्सपर्ट हो जाना, एकदम फ्लो के साथ करना, एकदम परफेक्टली उस चीज को करना, ठीक है. चलिए, नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज जेंटल. जेंटल वर्ड का मीनिंग मैंने आपको पहले भी बताया था. मुझे बताइए, मैंने जेंटल वर्ड का मीनिंग पहले आपको क्या बताया था? अभी मैंने काइंड लिखा हुआ है, लेकिन आपको मैंने जेंटल वर्ड का मीनिंग एक और बताया हुआ है. जल्दी बताइए बच्चे. काइंड नहीं. ओके, समर्पिता, सेंसिटिव, वेरी गुड. रोमित, सॉफ्ट, एली, सॉफ्ट, यस, करेक्ट, यस, सॉफ्ट एंड सेंसिटिव. जेंटल मीन्स सॉफ्ट, कोई चीज बहुत जेंटल. सो जेंटल मीन्स सॉफ्ट, काइंड, सेंसिटिव,
बहुत नाजुक सी कोई चीज होती है। जेंटल मींस कोई चीज बहुत सॉफ्ट होती है। जैसे एक जेंटल चीज का नाम बताएं मुझे बच्चे। जैसे केक है, दैट इज वेरी जेंटल, सॉफ्ट होता है, बीनीथ टेंडर। यस बच्चे, पिलो, यस इट इज आल्सो वेरी जेंटल। लीफ, फेदर, कॉटन, यस स्किन, यस ऑल आर जेंटल एंड काइंड एंड वेरी सॉफ्ट, वेरी टेंडर, वेरी फ्रेगाइल। दीज वर्ड्स आर यूज फॉर सॉफ्टनेस। ठीक है, क्लोथ, यस फीलिंग्स, यस तमन्ना, ऑल आर दीज जेंटल थिंग्स, बहुत सॉफ्ट चीज होती है ये। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज ब्रीज। ब्रीज मीन्स स्लो विंड, ब्रीज मीन्स ठंडी हवाएं, धीमी हवाएं, हल्की हल्की जो हवाएं चलती है, तेज वाली जो हवाएं होती हैं वो टर्नेडो कहलाती है अमेरिका में। लेकिन जब इंडिया में तेज तेज हवाएं चलती है वो उसकी बात नहीं कर रहे। ब्रीज, ब्रीज मीन्स हल्की हवाएं, बहुत ही सॉफ्ट सी जो हवाएं चलती हैं, स्लो, जिसमें लीव सिर्फ हिल रही होती हैं। इट मींस ब्रीज हो रही है, हल्की हल्की हवाएं चल रही है, ठंडी हवाएं चल रही है, बहुत धीमी हवाएं चल रही है। ठीक है, और जो तेज तेज चलती हैं वो तूफान का रूप भी ले लेती है, स्ट्रॉम आ जाता है कई बार। लेकिन यहाँ पर बहुत जेंटल सी हवाएं चल रही हैं, उसको हम कहते हैं ब्रीज। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज फर्मली। फर्मली मतलब स्ट्रॉन्गली, स्ट्रॉन्ग होकर, फर्म, फर्म मतलब मजबूत हो जाना किसी चीज में। जैसे मैंने बच्चों को फर्मली कह दिया कि आपको इमोजीज नहीं भेजनी सेक्शन में। आई सेड टू माई स्टूडेंट दैट आई सेड टू माई स्टूडेंट फॉर्मली दैट डोंट सेंड एनी इमोजी इन द व्हाट्सएप ग्रुप और इन द लाइव सेक्शन, इन द लाइव सेशन। सो फॉर्मली मीन्स बहुत मजबूत तौर पे, बहुत स्ट्रॉन्गली मैंने बच्चों को मना कर दिया कि वो आप अपने चैट सेक्शन में इमोजीज नहीं भेजे। चलिए अभी हम क्वेश्चन आंसर शुरू करेंगे। जरा एक सेकंड बच्चे रुकेंगे आप। जस्ट एक सेकंड रुकेंगे बेटा। So, अब हम क्या करेंगे, अब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, आई होप आपको न्यू वर्ड समझ में आ गए होंगे। चलिए, नाउ वी विल डू द क्वेश्चन आंसर इन दिस सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज लाइक दिस, व्हाट आर द थिंग्स दैट मुन्ना लाइक टू डू। अब मुझे चैप्टर जिन बच्चों ने अच्छे से सुना है उन्हें पता होगा कि मुन्ना को क्या करना पसंद था। मुन्ना को क्या करना पसंद था? पढ़ाई करना तो पसंद नहीं था। मुन्ना के बड़े भाई को पढ़ाई करना पसंद था। छोटे भाई को क्या पसंद था? मुन्ना लाइक टू वॉक इन द ग्रीन फील्ड, ही ऑल्सो लाइक टू प्ले मार्बल, फ्लाई पेपर कार्ड। मुन्ना को क्या पसंद था? हरे हरे खेतों में घास में दौड़ना, खेलना, चलना। और उसे क्या खेलना पसंद था? मार्बल्स के साथ खेलना। और उसे क्या पसंद था? पतंग को उड़ाना, पेपर की जो काइट होती है उसे वो पसंद था उड़ाना। तो उसको तीन चार चीजें पसंद थी मुन्ना को। एक तो घास में सॉरी खेत में चलना, हरी हरी घास पर चलना और भागना वहां पर, और उसे कंचे के साथ खेलना और पेपर काइट को उड़ाना बहुत पसंद था। ठीक है, बहुत इजी सा है चैप्टर, आपने ध्यान से सुना होगा तो आप बता पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। व्हाट डिड भैया डू ऑल द डे। भैया क्या करता था पूरे दिन? भैया तो पूरे दिन बुक्स पढ़ता रहता था। भैया रीड बुक्स ऑल डे। भैया क्या करता था? भैया रेड बुक्स ऑल डे। भैया पूरे दिन सिर्फ बुक्स पढ़ता रहता था, रीडिंग करता रहता था, बुक्स को पढ़ता रहता था, क्योंकि अपनी फाउंडेशन वो क्या चाहता था? स्ट्रॉन्ग। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज लाइक दिस। वेट करेंगे बच्चे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक दिस, व्हाई वाज मुन्ना नॉट हैप्पी विद द टाइम टेबल दैट भैया मेड फॉर हिम। मुन्ना क्यों खुश नहीं था जो
जो भैया ने टाइम टेबल बनाया था, मुन्ना उससे खुश क्यों नहीं था? आप बताइए क्यों खुश नहीं था? क्योंकि भैया ने उसमें किस चीज के लिए टाइम नहीं डाला था, किस चीज का टाइम टेबल में नहीं डाला था भैया ने? ऑब्वियसली आप बताएंगे मुझे किस चीज के लिए टाइम नहीं डाला था। यस, प्लेइंग के लिए टाइम नहीं डाला था, इसलिए मुन्ना टाइम टेबल से खुश नहीं था, क्योंकि भैया ने उसमें खेलने का टाइम तो डाला ही नहीं, तो उसे अच्छा नहीं। जो भी उसके भैया ने उसके लिए टाइम टेबल बनाया, मुन्ना वॉज नॉट हैप्पी विद द टाइम टेबल दैट भैया मेड फॉर हिम। मुन्ना खुश नहीं था उस टाइम टेबल से जो भैया ने उसके लिए बनाया, बिकॉज क्योंकि देर वॉज नो टाइम टू प्ले इन द टाइम टेबल, क्योंकि उस टाइम टेबल में खेलने का तो समय ही नहीं लिखा हुआ था कि मैं कब खेलूं। सो इसलिए मुन्ना टाइम टेबल से खुश नहीं था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक दिस, हाउ डू यू थिंक मुन्ना व्हेन हिज ब्रदर वॉज सो स्ट्रिक्ट विद हिम? व्हाई वॉज भैया सो स्ट्रिक्ट विद हिम? जो मुन्ना का भैया था वो उसके साथ इतना स्ट्रिक्ट क्यों था? तुम्हें क्या लगता है जो मुन्ना का भैया था वो उसके साथ क्यों स्ट्रिक्ट था, कैसे स्ट्रिक्ट था? आप बताएं, हाउ डू यू थिंक, तुम कैसे सोचते हो मुन्ना व्हेन हिज ब्रदर वॉज सो स्ट्रिक्ट विद हिम? जब मुन्ना के साथ उसका बड़ा भैया स्ट्रिक्ट था तो तुम क्या सोचते हो, कैसे सोचते हो? व्हाई वॉज भैया सो स्ट्रिक्ट विद हिम? और तुम्हें क्यों लगता है कि भैया उसका जो मुन्ना का भैया था उसके साथ स्ट्रिक्ट था? मुन्ना बिकेम सैड एंड बिगन टू क्राई। मुन्ना क्या हो गया, उदास हो गया और रोने लगा। क्यों रोने लगा? व्हेन हिज ब्रदर वॉज स्ट्रिक्ट विद हिम, मुन्ना जो कि भैया ने जब टाइम टेबल बनाया और भैया ने उसको डांटने लगा कि तुम 8 क्लास में हो गए हो और पढ़ना नहीं है तुम्हें ये सब, तो जो मुन्ना है वो दुखी हो गया, रोने लगा। जब उसका भैया उसके साथ स्ट्रिक्ट हो गया तो वो रोने लगा। भैया वॉज स्ट्रिक्ट विद हिम बिकॉज इट वॉज हिज ड्यूटी। भैया इसलिए वो मुन्ना के साथ स्ट्रिक्ट था क्योंकि भैया को लगता था ये उसकी ड्यूटी है उसका ध्यान रखना, क्योंकि दोनों भाई हॉस्टल में रहते थे, मम्मी पापा से दूर रहते थे, तो ये अब जिम्मेदारी, ये ड्यूटी किसकी थी कि मुन्ना के भैया की थी। इसलिए भैया मुन्ना के साथ स्ट्रिक्ट था क्योंकि ये उसकी ड्यूटी थी कि वो मुन्ना का ध्यान रखे। दैट मुन्ना वुड नॉट वेस्ट हिज टाइम। मुन्ना के जो भैया थे वो ये भी ध्यान रखते थे कि मुन्ना अपना टाइम वेस्ट ना करे, इसीलिए वो उसके साथ स्ट्रिक्ट थे, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी थी कि मुन्ना का ध्यान रखे, कहीं वो अपना टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहा। और ही वॉन्टेड मुन्ना टू स्टडी हार्ड, वो चाहते थे कि मुन्ना पढ़ाई अच्छे से करे ताकि वो अच्छे नंबरों से पास हो, उसकी फाउंडेशन स्ट्रांग हो। और क्योंकि मुन्ना पूरे दिन खेलता रहता था तो इसीलिए भैया उसके साथ स्ट्रिक्ट थे। जब भैया उसके साथ स्ट्रिक्ट हुए, क्योंकि उसकी ड्यूटी है, भैया की ड्यूटी है कि वो ध्यान रखे कि वो अपना टाइम वेस्ट ना करे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से करे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसे, हुज कैरेक्टर डू यू लाइक मोर, मुन्ना और भैया, बाय। अब आप बताएंगे आपको किसका कैरेक्टर ज्यादा अच्छा लगा, मुन्ना का या भैया का? मुन्ना का क्या कैरेक्टर था? मुन्ना का कैरेक्टर था कि वो हमेशा खेलता रहता था, पढ़ाई में अपना सीरियस नहीं था, और उसे प्राउड भी होता था कि वो बिना पढ़े ही बहुत अच्छे नंबर लाके पास हो जाता। लेकिन भैया, भैया बहुत रिस्पॉन्सिबल था, भैया को अपनी ड्यूटीज के बारे में पता था, भैया अपने छोटे भाई का ध्यान रखता था, भैया दिन रात पढ़ता था, भैया बहुत हार्ड वर्क करता था, भैया अपनी पढ़ाई के लिए किसी को बोलने का इंतजार नहीं करता था, भैया खुद बहुत ज्यादा मेहनत करता था और अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना चाहता था। दैट्स वाई वी लाइक द कैरेक्टर ऑफ भैया, बिकॉज ही वॉज अ रिस्पॉन्सिबल वन। आई लाइक भैया कैरेक्टर मोर देन मुन्नास। इट अपियर्स भैया वॉज अ बुक वर्म। मुझे भैया का कैरेक्टर ज्यादा अच्छा लगा मुन्ना से ज्यादा। ऐसा लगता है कि भैया बुक वर्म था, बुक वर्म, बुक वर्म, बुक का मतलब किताब, वर्म मतलब कीड़ा। ऐसा लगता है कि भैया एक किताबी कीड़े थे, कीड़े मतलब जो हमेशा रीडिंग में लगे रहते हैं, जो हमेशा पढ़ाई में लगे रहते हैं, कई लोग उन्हें किताबी कीड़े भी कहते हैं। स्टिल ही डिड नॉट पास हिज क्लासेस। भैया किताबी कीड़े की तरह या बहुत ज्यादा रीडिंग करते थे फिर भी वो पास नहीं हो पाते थे। लेकिन बट इन फैक्ट भैया हैड मोर क्वालिटीज देन मुन्ना। लेकिन भैया के पास ज्यादा क्वालिटीज थी, बेशक वो क्लास में पास नहीं हो रहे थे, किताबी कीड़े थे, वो दिन रात मेहनत करते थे, भैया पास नहीं हो रहे थे, बट फिर भी भैया
ज्यादा क्वालिटीज वाइज ज्यादा बेटर थे मुन्ना से। बेटा एक मिनट रुकेंगे, लेकिन भैया से जो मुन्ना से भैया का करेक्टर ज्यादा इफेक्टिव था, क्योंकि भैया ज्यादा रिस्पॉन्सिबल थे। ही फेल्ट दैट मुन्ना वाज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। भैया को लगता था कि भाई जो मुन्ना है उसकी सारी जिम्मेदारी किस पे है, भैया के ऊपर है। जो भैया भैया है उसी का ध्यान, मुन्ना का ध्यान बहुत अच्छे से रखता था, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। भैया समझते थे ये बात। ही वाज स्ट्रिक्ट विद मुन्ना। भैया मुन्ना के साथ स्ट्रिक्ट थे। क्यों स्ट्रिक्ट थे? बिकॉज ही लव्ड हिम, क्योंकि वो उससे प्यार करते थे। बिकॉज ही वॉज नॉट गुड एट स्टडीज, मुन्ना पढ़ाई में अच्छा नहीं था, बट ही हैड मोर एक्सपीरियंस। मुन्ना का ध्यान रखना किसका काम था? भैया का। और भैया ये काम बहुत अच्छे से करते थे। भैया उसका ध्यान रखते थे, भैया उससे बहुत प्यार करते थे, भैया उसको टोकते थे कि आपको अच्छे से पढ़ाई कर रही है, पढ़ाई टाइम वेस्ट नहीं करना खेल खेल कर, और उसकी पढ़ाई का ध्यान रखते थे, क्योंकि भैया को मुन्ना से ज्यादा एक्सपीरियंस था। भैया को ज्यादा पता था, अगर ये आज ढंग से पढ़ाई नहीं करेगा, आज ढंग से अपनी फाउंडेशन को स्ट्रांग नहीं करेगा, तो इसे बाद में प्रॉब्लम होगी। इसलिए भैया उसको हमेशा समझाते रहते थे कि तुम ये मत करो, तुम वो मत करो, और तुम अपना ध्यान रखो। ठीक है, सो हियर वी एंड आवर चैप्टर, एंड नाउ आई एम कमिंग टू द फेस टू फेस मोड। टेक योर क्वेरीज, बट अब 2 मिनट्स के लिए रुकेंगे। सो नाउ यू कैन आस्क मी द क्वेरीज रिलेटेड टू द चैप्टर, देन वी आई विल सॉल्व योर क्वेरीज अबाउट द सिलेबस, अबाउट योर एग्जाम, हाउ वी विल कंडक्ट द एग्जाम। आई विल एक्सप्लेन यू ईच एंड सिंगल थिंग। तो अभी आप पेपर से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज नहीं पूछेंगे, क्योंकि मैं सारा पहले बताऊंगी, फिर आप उसके बारे में पूछेंगे। अभी मुझे चैप्टर से रिलेटेड किसी को कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी से पूछ लीजिए, क्योंकि फिर मैम स्पीकर अनम्यूट नहीं करेंगे। बच्चे मैम स्पीकर अनम्यूट नहीं करेंगे, कोई भी बच्चा स्पीकर म्यूट रखें। बेटा जिसको भी पूछना है चैट सेक्शन में पूछे प्लीज। ओके तमन्ना पूछिए, आपको क्वेरी है क्वेरी लिख के भेजिए बेटा। मैम आई हैव नो क्वेरी। ओके किसी बच्चे को क्वेरी है जल्दी से लिखिए, क्योंकि फिर उसके बाद बेटा मेरे को व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसे। एसे बच्चे जब हम किसी एक टॉपिक पर, जैसे ये मेरा स्पेक्स है, इसके ऊपर मैं आप बोलू पांच, इट मीन्स यू आर राइटिंग अ एसे। ऐसे मींस अगर आपको ज्यादा लेंदी लिखने को बोल दिया मैंने कि आप 10 लाइनें लिखे स्पेक्स पे, फैन पे, हाउस पे, ट्री पे, तो आप अपने दिमाग से कुछ लाइनें क्रिएट करेंगे, कुछ अपने दिमाग से कोई लाइनों की रचना करेंगे, कुछ नई लाइनों को लिखेंगे। तो जो लाइनें लिखेंगे उसी को हम ऐसे कहते हैं। बस ऐसे थोड़ा लेंदी होता है, और जो जो छोटी छोटी, जैसे हम बोलते हैं 5 लाइनें लिख दो किसी टॉपिक पे, इट मीन्स यू आर राइटिंग अ स्मॉल एसे। ओके मैम आप क्या फिलिंग द ब्लैंक्स नहीं कराएंगी? बेटा वो फिलिंग द ब्लैंक्स जो है वो ग्रामर पोर्शन है, तो वो ग्रामर पोर्शन अभी नहीं कराऊंगी मैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रियलाइज? रियलाइज मीन्स कोई चीज महसूस करना। जैसे अभी आपने कोई गलती की है, ठीक है, अगर आपने कोई गलती की है, रियलाइज वर्ड पूछा है प्रदीप्ता ने। ओके प्रदीप्ता, रियलाइज मीन्स जैसे मैंने कोई गलती की है और मैं क्लास में जाके बच्चों को बोलती हूँ, बेटा आई एम सॉरी, कल मैंने जो गलती किया मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे सॉरी बोलना चाहिए, आपके साथ मुझे ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। इट मीन्स मुझे अंदर से रियलाइज हुआ है, महसूस हुआ है कि मुझे आपको सॉरी बोलना चाहिए। रियलाइज मीन्स किसी चीज का पछतावा, कोई चीज अंदर से महसूस होना। इट मीन्स हमें वो चीज रियलाइज हो रही है और मैं आपको सॉरी बोल रही हूँ। ओके मैम आई हैव नो प्रॉब्लम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पंचुअलिटी? पंचुअलिटी मीन्स कोई काम हम एकदम समय पे करते हैं। जैसे अभी आप समय पे क्लास ले रहे हैं, फिर आपका आधे घंटे का ब्रेक है, फिर आपकी 11 बजे फिर क्लास है, और आप एकदम 11 बजे अपने मोबाइल के आगे बैठ जाते कि अब मैडम या सर की क्लास शुरू हो, इट मीन्स यू आर पंचुअल। उसके बाद 12 बजे आपकी क्लास होती है, आपके सर मैडम कहते हैं कि आप एग्जिट कीजिए, आपकी क्लास खत्म, और उसके बाद अपना खेलने लगते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका लंच का टाइम होता है, आपकी मम्मी पापा बोलते हैं कि आप खाना खाने बैठ जाओ, तो आप टाइम
टाइम से खाना खाने बैठ गए, इट मीन्स यू आर पंचुअल। आप अपना हर काम जब समय से करते हैं, इट मीन्स यू आर पंचुअल। आप सुबह समय से उठते हैं अपना 6, 7 या 8 बजे, तो इट मीन्स यू आर पंचुअल। आप स्कूल टाइम से पहुंचते हैं, इट मीन्स यू आर पंचुअल। जो भी काम हम एकदम टाइम के एक्यूरेट करते हैं, समय पे करते हैं, या किसी को हमने टाइम दिया कि मैं आपको 9 बजे मिलूंगा या मिलूंगी, और मैं वहां 10 बजे पहुंच रही हूँ, तो इट मीन्स आई एम नॉट पंचुअल। अगर मैंने आपको कहा मैं आपको 9 बजे मिलूंगी, तो मैं 9 बजे बिल्कुल आपके वहां पर आपको मिलूं, इट मीन्स मैं पंचुअल हूँ। लेकिन मैं 9 बजे का टाइम देके आराम से 9:30 बजे पहुंचू या 10 o'clock पहुंचू, तो इट मीन्स आई एम नॉट पंचुअल। मुझे टाइम की कदर नहीं है, मैं टाइम पे कोई काम नहीं करती, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, समझ में आया बच्चे? चलिए मैं और क्वारीज ले लेती हूँ एक बार। चलिए नाउ मैम, आई हैव नो क्वेरी, नो क्वेरी। ओके, तो पंचुअलिटी के बारे में क्या लिखते हैं लोग? पंचुअलिटी मीन्स हु डज देयर वर्क अकॉर्डिंग टू टाइम, हु फॉलो देयर टाइम टेबल। जो अपॉइंटमेंट का टाइम दिया हो उसके एक्यूरेट जो काम करे, इट मीन्स यू आर पंचुअल। सो पंचुअलिटी मीन्स मेरे अंदर पंचुअलिटी है, मैं अपना एक्यूरेट जब कोई टाइम दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग काम करती हूँ, तो इट मीन्स आई एम पंचुअल और मैं पंचुअलिटी में बिलीव करती हूँ। मैम आई हैव नो क्वेरी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइडलिंग? आइडलिंग मीन्स मूर्ति की तरह बैठना, करना, इनएक्टिव, लेजी, आलसी। जैसे हमारा कोई चीज हम एकदम स्लॉथ की तरह बैठ जाते हैं, तो हम आइडल की तरह बैठ जाते हैं, कुछ काम नहीं करते, मूर्ति की तरह टीवी के आगे बैठ जाते हैं और ना पढ़ाई करते ना कुछ करते, और एकदम लेजी इनएक्टिव होके बैठ जाते हैं। चलिए बेटे, आई थिंक अब बच्चों की क्वेरी नहीं है। और मुन्ना वेंट टू रन अवे टू, नो टाइम टू प्ले। ओके, एक मिनट रुकिए बेटा। चलिए बेटा, मैंने जितनी क्वारीज थी मैंने सॉल्व कर दी। चलिए अब रुमित, रुमित मास्टर मतलब किसी चीज में एक्सपर्ट हो जाना, परफेक्ट हो जाना। बच्चे जैसे मैंने बताया था विराट कोहली, ये परफेक्ट हो गए, मास्टर हो गए अपने क्रिकेट में। तमन्ना, तो भैया के टीचर्स जो पंचुअलिटी के बारे में, मतलब समझ नहीं आया तमन्ना, दोबारा ठीक से लिखे बेटा। तनाया, शेडो कहाँ से आ गया बेटा? शेडो चैप्टर तो हम कर ही, शेडो मीन्स होता है इमेज हमारी। तमन्ना आपका क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया, आप दोबारा लिख दीजिए। चलिए मैं बच्चे एग्जाम के बारे में अब आपको बताती हूँ, ध्यान से सुनेंगे। आपके एग्जाम 18 से शुरू हो रहे हैं, आई होप आपको आपकी जो डेटशीट है वो मिल गई होगी। बच्चे अब चैट सेक्शन में लिखना बंद करें, अब आप ठीक से सुने मेरी बात को, ठीक है? तो मैं बता रही थी आपके एग्जाम 18 तारीख से हैं। अब आपके एग्जाम जो है, टाइम बेटा टाइम आपको बता दिया जाएगा, अभी टाइम फिक्स नहीं हुआ और मैं अपने बिहाफ पे फिक्स नहीं कर सकती, क्योंकि कई पेरेंट्स को प्रॉब्लम है, वो ऑफिस जाते हैं, कई बच्चों के बड़े भाई बहन भी हैं, तो सेम टाइम पे वो एग्जाम कैसे देंगे। तो टाइम का मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में बता दूंगी, टाइम का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? दूसरी बात, अब आपका जो मैंने आपको बताया था आपका सिलेबस आएगा आइसक्रीम मैन टू माय एल्डर ब्रदर, लेकिन माय एल्डर ब्रदर बेटा आज ही हमने फिनिश किया है, तो इस चैप्टर को हम सिलेबस में नहीं कवर करेंगे। अब आपका जो सिलेबस है वो है आइसक्रीम मैन टू क्राइम, क्योंकि इस चैप्टर को रिवाइज करने का आपको टाइम नहीं मिलेगा, इसके क्वेश्चन आंसर भी बहुत लेंथी है, तो इस चैप्टर को हम इस पीटी वन में छोड़ रहे हैं, ठीक है? माय एल्डर ब्रदर नहीं आएगा आपके सिलेबस में, सिर्फ क्राइंग तक आएगा। फिर भी मैं अभी सभी बच्चों को बोल रही हूँ, चैट सेक्शन में लिखना बंद करें बेटा, प्लीज सुनो बात को ध्यान से। राश्री, मैं भी आपकी क्वेरी लूंगी और तमन्ना आपकी भी, अभी स्टॉप राइटिंग इन द चैट सेक्शन, पहले मेरी बात को ध्यान से सुने। मैं अभी बता रही थी आपको सिलेबस के बारे में कि माय एल्डर ब्रदर का आज ही हमने फिनिश किया है और 18 को एग्जाम है, तो मैं ऐसे जल्दी जल्दी में सिलेबस नहीं होना चाहती, तो हम माय एल्डर ब्रदर को पीटी वन में नहीं ले रहे, हम माय एल्डर ब्रदर को छोड़कर क्राइंग तक लेंगे, फ्रॉम आइसक्रीम मैन टू क्राइंग। ये बात क्लियर है बच्चों को? दूसरी बात, डेटशीट मैं भेज चुकी हूँ। तीसरी बात, मैं टाइमिंग का आपको बताऊंगी, आपका एग्जाम का टाइमिंग क्या होगा। चौथी बात, मैंने अब मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन आएंगे,
40 मार्क्स का पेपर है, और 40 जो 40 मार्क्स में आपके कुछ वन लाइनर के क्वेश्चन होंगे, मींस वन लाइन में आपको आंसर लिखने होंगे, कुछ मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चन होंगे, ठीक है बेटा। और वन मोर थिंग, आपको अब मुझे बताइए सभी सब्जेक्ट का सिलेबस आपको रिसीव हुआ है इन यस और नो? अगर हो गया है तो यस लिखे, नहीं मिला है तो मुझे बताएं नो। नहीं मिला, किस सब्जेक्ट का नहीं मिला बेटा मुझे, सॉरी वो बताएं बच्चे। अब मैं कुछ बच्चों ने चैट में कुछ प्रॉब्लम भेजी थी, ये तो चैट में ऊपर चला जाता है बेटा, प्रॉब्लम होती है मुझे। 1 मिनट रुको, हिंदी का सिलेबस नहीं मिला, ओके मैं बोल दूंगी मैम को, हिंदी का सिलेबस आपको बता देंगे, ठीक है। और ईवीएस मैथ्स का मिल गया बेटे, जल्दी बताएं मुझे। ओके ईवीएस का मिल गया, मैथ्स का मिल गया, ओके हिंदी का बेटा मैं मैम को बोल दूंगी, वो आपको बता देंगे सिलेबस, ठीक है। तो और कोई इश्यू तो नहीं है बच्चे? अब आपकी जो टाइमिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो मैं आपको आपके एग्जाम से पहले 1 आध दिन में ही बता दूंगी, ठीक है। मैम कैसे लिखना होगा बेटा? टाइप करना होगा, टाइप करके आपको वन लाइन के होंगे, जैसे वेयर वॉज द बॉय इन द स्टोरी, सो ही वॉज देयर, बस इतना वन लाइन का आंसर होगा, तो ज्यादा टाइपिंग का प्रॉब्लम नहीं होगा, ओके। हाँ बच्चे मैं हिंदी के सिलेबस के लिए बोल दूंगी मैम को। माय एग्जाम में ऑप्शन होगा क्या? मैम एग्जाम में ऑप्शन नहीं होगी क्या बेटा? मैंने मल्टीपल चॉइस बताए कि कुछ क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस टाइप के होंगे जिसमें आपको टिक करना होगा 4 ऑप्शंस में से, और कुछ वन लाइनर वाले होंगे, ठीक है। मैम ईवीएस का नहीं मिला, ओके मैम क्लास क्या खत्म है? हाँ बेटा ऑलमोस्ट खत्म है मैम, हमारा एग्जाम कैसे होगा बेटा? ऑनलाइन होगा असलम, एग्जाम ऑनलाइन होगा, मैं लिंक शेयर करूंगी, आपको अटेम्प्ट करना है, आपको कुछ भेजने की जरूरत नहीं है, मेरे पास स्क्रीनशॉट भेजने की जरूरत नहीं है, मेरे पास खुद रिकॉर्ड मेल में आ जाएगा, ओके मैम। मल्टीपल चॉइस जो आज तक आप पेपर अटेम्प्ट करते आए हैं, 4 ऑप्शन वाले उसमें से एक टिक करना होता है, वो मल्टीपल चॉइस होते हैं बच्चे, ठीक है। ईवीएस का 6 चैप्टर है सिलेबस, तमन्ना मुझे नहीं पता इस बारे में, आप अपने ईवीएस के सर से इस बारे में क्लियरफाई करेंगे कितने चैप्टर आ रहे हैं, ठीक है बेटा मुझे नहीं पता इस बारे में। मैम ऑनलाइन एग्जाम कैसे होगा बेटा? वो मैं आपको लिंक हर बार शेयर करती हूँ, आज तक अगर आपने अटेम्प्ट किया हो, जितने भी टेस्ट मैंने दिए हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऑनलाइन एग्जाम ऐसे ही होगा, मैं एक लिंक भेजूंगी, आप उस पे जाएंगे, अपना नाम फिल करेंगे, अपना रोल नंबर और ये सब। मैम कौन बच्चा है ये मैम बोलो, कौन बच्चा, नाम बताओ, मैम नॉर्मली हमारा टेस्ट जैसे होता है वैसे एग्जाम होगा नाम बताओ, नाम बताओ बच्चे। मैम। असलम असलम, हाँ नॉर्मल जैसे एग्जाम होता है बेटा वैसे नहीं होगा आपका, जैसे मैंने आपको एक बार, आपने अभी तक जितने भी मैंने टेस्ट दिए वो किए हैं टाइम पर, मैम बस वैसे ही होगा बेटा, ठीक है। तो अब स्पीकर आप म्यूट कर दे बच्चे, वैसे ही एग्जाम होगा, जैसे मैं लिंक भेजती थी, आप अटेम्प्ट करते थे अपना नाम रोल नंबर लिखकर, फिर मेरे पास उसका खुद आ जाएगा, आपने कितने आंसर करेक्ट दिए बेटा। स्पीकर अनम्यूट नहीं करे, सब बच्चे उसी में पूछे। जैसे मैं लिंक शेयर करती थी, आप अपना नाम रोल नंबर वगैरह भरते थे, क्लास भरते थे, सेक्शन भरते थे, उसके बाद आप मल्टीपल चॉइस होती थी उसमें एक आंसर पे टिक करते थे, फिर अगले पे टिक करते थे। अब उसी टिक टिक में कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिसका आंसर आपको वन लाइन में देना होगा, और वो मेरे पास ऑटोमेटिकली रिजल्ट आ जाएगा, आपको मुझे कुछ भेजने की जरूरत नहीं, ठीक है। सो आई होप अब बच्चों की काफी मैम कौन बच्चा है बच्चे? अनुराग बेटा आप चैट क्यों नहीं पूछ रहे? मैम अगर नेट खराब रहा तो तो थोड़ी देर बाद अटेम्प्ट कर लेना बेटा, ठीक है। मैम आधा घंटा का टाइम है तो इतनी जल्दी हम कैसे करेंगे? वो टाइम लिमिट आधा घंटा आपके अटेम्प्ट करने की है, आधा घंटा टेस्ट को
आप कर सकते हैं, उसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है। बेटा अगर ठीक आप ऐसे स्पीकर पे बोलेंगे मैं जवाब नहीं है दूंगा, मैम, ओके आप मुझसे चैट सेक्शन में पूछे, मैं इस पे जवाब नहीं देने वाली बच्चे। हातिम अगर बेटा आपने मेरी बात को ध्यान से सुनाओ, मैंने टाइमिंग का कहा है मैं आपको बता दूंगी, ठीक है कितने बजे एग्जाम होगा, मैंने अभी आपको क्लियर किया कि उसका मैं बता दूंगी। मैम हमें टेस्ट के बाद ही मार्क्स मिल जाएंगे क्या? दीपिका टेस्ट के बाद आप जब अटेम्प्ट करते हैं आप मार्क्स आप अपने आप ही वो देख सकते हैं कितने ठीक हुए कितने नहीं, तो आपको ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगा, लेकिन आपको मेरे पास भेजने की जरूरत नहीं है। मैम हिंदी एग्जाम में हिंदी में टाइपिंग करना होगा, यस बच्चे हिंदी के एग्जाम में हिंदी में टाइप करना होगा। मैम मेरी क्वेरी, तमन्ना आपकी क्या क्वेरी थी बेटा, चैट सेक्शन में ऊपर चली गई है, आप दोबारा बता दीजिए। मैम हिंदी में टाइप करना होगा, हाँ मेघमलार हिंदी में ही टाइप करना होगा बच्चे। मैम कितने बजे एग्जाम होगा एक बार बताएं बेटा, ही मैंने अभी बताया टाइमिंग का अभी क्लियर नहीं हुआ है, मैं आपको टाइमिंग के बारे में बता दूंगी। टाइम अभी हमें भी आगे से पता नहीं चला है कि मॉर्निंग में लेना है इवनिंग में लेना है, कई पेरेंट्स ऑफिस जाते हैं, कईयों के बड़े भाई बहन भी हैं, तो वो सेम टाइम पे एग्जाम कैसे देंगे, तो टाइम का अभी मुझे भी नहीं पता, जैसे ही पता चलेगा मैं आपको जरूर बता दूंगी। हाँ राजश्री आप लेफ्ट कर सकते हैं, मैं क्वेरीज ले रही हूँ। हाँ आप आपकी सिस्टर की क्लास होगी, आपने मुझे बताया था। मैम हिंदी में तो 14-15 चैप्टर करा लिए, बेटा हिंदी की मैम ने 14-15 चैप्टर करा लिए हैं, मैं क्या कहूँ। अब मैम से आप पूछिएगा जब भी मैम की क्लास होगी, वो आपको सिलेबस का बताएंगे कि मैडम कितने सिलेबस में आएंगे चैप्टर, ठीक है। ओके तमन्ना आपकी क्वेरीज शायद ऊपर चली गई है, मैं कोशिश करती हूँ ऊपर जाने की और देखने की। ये आ गई, 1 मिनट रुकेंगे। तमन्ना तो भैया क्या टीचर्स जो पंचुअलिटी के बारे में है, मैम तो भैया के टीचर जो कहे थे कि पंचुअलिटी के बारे में लिखना है, उन्होंने क्या लिखा? अच्छा आप ये पूछ रहे हैं तमन्ना कि भैया को जब पंचुअलिटी के बारे में लिखने के लिए दिया गया, भैया ने ये नहीं बताया कि पंचुअलिटी के बारे में उन्होंने क्या लिखा, उन्होंने मुन्ना से डिस्कस किया, देखिए कि मुन्ना अब मेरे टीचर ने मुझे पंचुअलिटी के बारे में लिखने को कहा है कि पंचुअलिटी क्या होता है। पंचुअलिटी मींस जो समय पे अपना काम करता है, पंचुअलिटी मींस जो बिल्कुल टाइम टेबल को फॉलो करता है, पंचुअलिटी मींस जो अपना टाइम वेस्ट नहीं करता, पंचुअलिटी मींस जो हमेशा अपने काम को किसी अच्छे काम में लगाता है, ठीक है। तो भैया ने ये नहीं बताया कि भैया ने क्या लिखा, भैया ने सिर्फ बताया कि मेरे को मेरे टीचर ने पंचुअलिटी के बारे में लिखने को कहा है, और देखो मुझे बोला गया कि ये 4 पेजेस का होना चाहिए लेकिन ये लेंथी भी नहीं होना चाहिए, तो कितना कंफ्यूजिंग है। अगर आप ठीक से नहीं पढ़ोगे तो आप कैसे 4 पेजेस लिख दोगे पंचुअलिटी के बारे में। तो भैया ने स्टोरी में नहीं लिखा कि पंचुअलिटी के बारे में भैया ने क्या लिखा, पंचुअलिटी के बारे में लोग क्या लिखते होंगे। अच्छा आप मुझसे पूछ रहे हैं कि पंचुअलिटी के, ये बेटा पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, जैसे आपके लिए पंचुअलिटी का मीनिंग कुछ और हो सकता है, मेरे लिए कुछ और है। जैसे मेरे लिए पंचुअलिटी है कि हर काम को मैं समय पे करूं, अगर मैंने बच्चों को टाइम दिया है कि मैं इतने बजे क्लास शुरू करूंगी तो मैं उतने बजे करूं, अगर मैंने बच्चों को बोला है कि मैं क्लास में इतने बजे पहुंचूंगी तो मेरे लिए वो पंचुअलिटी है, अगर मैंने बच्चों को मॉडल बनाने का टाइम दिया है कि आपको इस डेट तक फिक्स जमा कराना है अपना असाइनमेंट, तो मेरे लिए पंचुअलिटी वो है। अब आपके लिए पंचुअलिटी हो सकती है कि मैं पंचुअलिटी से टीवी देखूं, या मैं पंचुअलिटी के साथ अपना खाना खाऊं, तो दैट इज वेरी करता है वो, आप क्या सोचते हैं पंचुअलिटी के बारे में, मैं क्या सोचती हूँ, ठीक है बेटा। आई होप आपकी क्वेरी तमन्ना सॉल्व हुई होगी, अगर हो गई तो मुझे यस या नो में बता दे। ओके मैम बट हिंदी में से सो मच चैप्टर हो गए हैं ना, उन्होंने एवरी वीक चैप्टर का एग्जाम नहीं लिया। मैम मैं तो डेस्कटॉप में करता हूँ, मैं हिंदी में कैसे राइट करूंगा। बेटा कोई दिक्कत नहीं है, आप हिंदी का सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लीजिए अगर आप लैपटॉप से करते हैं, नहीं तो आप बेटर होगा अपना एग्जाम आप मोबाइल से दें, क्योंकि मोबाइल में हिंदी का ऑप्शन इजी आता है, और ना मैं आपको एडवाइस करूँ कि आप अपना एग्जाम मोबाइल पे ही दें, लैपटॉप में आपको दिक्कत होगी क्योंकि उसकी कीज डिफरेंट होती है,
तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। ठीक है मैम, बनाया का नाम क्या है, भैया का नाम क्या है? भैया का नाम इसमें चैप्टर में नहीं दिया हुआ, उसे सिर्फ भैया ही बोला हुआ है। विनीत आप लेफ्ट कर सकते हैं, आपके अगर कोई तो यू कैन लेफ्ट। आई एम ऑल्सो गोइंग टू लीव दिस क्लास बिकॉज आई हैव टेकन सो मैनी क्वेरीज। आई होप आपकी क्वेरीज मैंने सॉल्व करने की कोशिश की है और आई होप आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई होगी। और फिर भी कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हुई है तो आप वो, अगर आपको चैप्टर में कोई प्रॉब्लम है, और मैंने सिलेबस एक बार फिर क्लियर कर दिया है, मैं अभी व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगी। आज मैं आपको ये पीपीटी भेजूंगी, इसके क्वेश्चन आंसर आप जॉट डाउन कर लेंगे, न्यू वर्ड्स जॉट डाउन कर लेंगे और अपने पास रखेंगे उसको, और क्राइंग तक सिलेबस आएगा। मैं फिर एक बार क्लियर कर रही हूँ, फिर भी मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगी बेटा। ठीक है, आई होप यू एंजॉय द क्लास, आई होप आई हैव सॉल्व योर क्वेरीज, एंड स्टिल यू हैव एनी क्वेरी वी विल सॉल्व दिस इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, इन द नेक्स्ट क्लास आई विल रिवाइज द चैप्टर आइसक्रीम मैन। अब हम अगली क्लास में रिविजन करेंगे जितने भी चैप्टर हम कर चुके हैं। ठीक है, अगली क्लासेस में हम रिवीजन करेंगे और मैं आपको अपनी जो मेरी वीडियोस है वो भेजूंगी, आप उससे रिवीजन करेंगे, चैप्टर्स को देखेंगे, पोएम को देखेंगे और अपनी रिवीजन शुरू करेंगे। सो आई होप यू एंजॉय द क्लास, आई होप आई हैव सॉल्व योर क्वेरीज। नाउ टेक केयर, स्टे एट होम, ईट हेल्दी फूड, डू योगा एंड स्टडी वेल। बाय एंड हैव अ नाइस डे बच्चे, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। Bye ma'am. Bye ma'am. Bye ma'am. Bye ma'am. Bye ma'am. Bye ma'am. Exit the class fast. Bye ma'am. Bye bachi, bye. Exit the class. Ma'am. Ma'am. Bye bye. Bye bye ma'am. Bye bye. Bye bye ma'am. Ma'am, meri mummy to ghar mein nahi rahegi. Main mobile mein nahi kar sakta hu. Bye, ma'am.